पार्टी के भीतर असहमति को दरकिनार करते हुए भाजपा ने हाल में पार्टी में शिमला शामिल हुई पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को 7 फरवरी को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल देश एवं पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ ही पार्टी ने 70 में से 62 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद घोषणा करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 65 वर्षीय बेदी को उतारने के फैसले पर सर्वसम्मति थी। उन्होंने कहा कि भाजपा बेदी के नेतृत्व में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ेगी। वह पूर्वी दिल्ली में कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ेगी। इसे भाजपा का पारंपरिक सीट और गढ़ माना जाता है, जहां से पिछली बार हर्षवर्धन चुनाव जीते थे। अमित शाह ने बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर स्थानीय नेताओं में नाराजगी की खबरों का खंडन किया। शाह ने चुनाव शियाद के साथ लड़ने की घोषणा की। समझौते के तहत पार्टी ने अकाली दल को 2 सीटें दी हैं। में शामिल होने का सिलसिला है, उसी क्रम में आगे बढ़ी है। अपराध के खिलाफ महिला में अब श्रीमती किरण पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला है, किरण बेदी जी हमारे इस चुनाव का नेतृत्व करेंगे और दिल्ली में सरकार बने। अब आप उम्मीदवार हैं, क्या कहना है आपका? बहुत कुछ धन्यवाद, क्योंकि ये उनसे बेटर स्ट्रेटेजिस्ट कौन है, उनसे बेटर सोचने वाला कौन है। तो उन्होंने जो ठीक, मैंने तो आपको कहा था कि मैं किसी भी जगह दिल्ली से चुनाव के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सारी दिल्ली मेरी है। तो साफ तौर पर यहाँ पर किरण बेदी का लेंगे जी, बहुत अच्छी दिल्ली बनाएंगे। पसंद और कंपैशनेट, ये ईमानदार और इंसाफ पसंद मैम, जो सबके लिए। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।